क्योंकि जो अगर उनका स्टैंडर्ड नहीं हुआ, हम जो आगे आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं, हम तो अपने आप इतना बड़ा नुकसान प्रदेश को कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा है कि जब कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी नहीं एफिलिएट, रेलवे बंद हो जाए कॉलेज। रेलवे रेलवे की मीटिंग को लेकर समय आपने कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वकील मांग करते हैं, आप उसके पक्ष में उनको नाराज नहीं होने दे रहे? मैंने कहा है कि मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के पक्ष में हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि ये इतनी पुरानी मांग लंबित रही और इस पर हम जरूर फैसला जल्दी करें। सर, रेलवे को लेकर जो मीटिंग की उस पर बताएं। रेलवे के लिए जो हमारी नागपुर से छिंदवाड़ा तक की लाइन है, जो कई सालों पहले शुरू हुई थी, चल रही है, अब ये लगभग समाप्त होकर कंप्लीशन पर आ गई। तो मैंने तारीख तय करी है जब यहाँ से पहली, मैं बताना नहीं चाहता, जब यहाँ से पहली रेल चलेगी छिंदवाड़ा से लेकर नागपुर तक। पर मुझे उम्मीद है कि अगले 2-2.5 महीनों में ये रेल चल पड़ेगी। सर, तहसीलदारों से क्या कुछ चर्चा हो पाई, क्या कुछ बात बनी? तहसीलदारों ने अपनी मांग रखी है, प्रदेश में तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हों, उनकी बहुत कमी है। और हम अगर हम सब कुछ कंप्यूटराइज कर रहे हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हुए, एक कंप्यूटर लगा देने से तो समस्या हल नहीं होती, जब तक उसको चलाने वाला कोई ना हो, उसको फीड करने वाला कोई ना हो। तो इस पर मैंने कहा कि मैं भोपाल में चर्चा करूँ। सर, अपने ही नेता, कांग्रेस के अपने ही नेता लगातार विपक्ष की भूमिका में